नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। अमेरिकी पत्रकार रॉबर्ट लेन ग्रीन भाषा की राजनीति पर अपनी किताब यू आर व्हाट यू स्पीक, ग्रामर ग्राउचेस, लैंग्वेज लॉज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, उसके कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। पुस्तक में उनका सेंट्रल तर्क हमारे रियलिटी के बहुत करीब है। उनका आर्ग्यूमेंट है, लोग अपनी विशिष्ट भाषा के बारे में जो दावे करते हैं वे वास्तव में पहचान या आइडेंटिटी की राजनीति के बारे में ही होती है। मेरे टू रीड वाली किताबों की लिस्ट में ये किताब की याद तब आई जब मैंने पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह का बयान पढ़ा। अमित शाह संसदीय राजभाषा समिति की 37th बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उनके भाषण में उन्होंने कहा, विभिन्न राज्यों के लोगों को एक दूसरे के साथ हिंदी में संवाद करना चाहिए, ना कि अंग्रेजी में। उन्होंने आगे कहा, अब समय आ गया है कि राजभाषा को देश की एकता का अहम हिस्सा बनाया जाए। अमित शाह के इस बयान से भारी राजनीतिक और सांस्कृतिक बवाल मच गया, मानो भानुमति का पिटारा खुल गया हो। गैर हिंदी भाषी राज्यों के गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने सबसे पहले विरोध किया। एम के स्टालिन, के चंद्रशेखर राव, ममता बैनर्जी और पिनरई विजयन जैसे सब ने अमित शाह के बयान का खंडन किया। कहा, हिंदी इंपोजिशन नहीं एक्सेप्टेबल है। यहां तक कि विरोध सांस्कृतिक पर्सनालिटीज ने भी की। मशहूर संगीत निर्देशक ए आर रहमान ने और मल्टीलिंगुअल अभिनेता प्रकाश राज इनमें से प्रमुख थे। हिंदी फिल्म अभिनेता अजय देवगन और कन्नड़ सिनेमा के मशहूर अभिनेता किच्चा सुदीप के बीच ट्विटर में दंगल छिड़ गया। इन रिएक्शन से रॉबर्ट ग्रीन की बात सही साबित हुई, बात भाषा की नहीं बल्कि राजनीति और आइडेंटिटी की है। हिंदी इंपोजिशन का मामला सबसे संवेदनशील उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। पिछले सप्ताह त्रिपुरा के 56 आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के एक समूह ने विरोध जताया जब उन्हें लगा देवनागरी काखबोराक की लिपि बन जाएगी। काखबोराक त्रिपुरा के लगभग सभी ट्राइब्स की भाषा है। 1979 में इसको त्रिपुरा का ऑफिशियल भाषा के तौर पर मान्यता दिया गया था। यह भाषा अब 22 डिग्री कॉलेजेस और त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। काखबोराक के लिए बंगाली और रोमन लिपियां का इस्तेमाल किया जाता है। द रोमन स्क्रिप्ट फॉर काखबोराक छोबा, जो इन 56 इंडिजेनस सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नेताओं ने अमित शाह के बयान का भरपूर खंडन और विरोध किया। उनकी आपत्ति सबसे ज्यादा इस दावे पर थी कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों ने हिंदी को 10वीं कक्षा तक कंपलसरी सब्जेक्ट घोषित करने पर सहमति दे दी है। उत्तर पूर्व के राज्य लिंग्विस्टिकली बहुत डाइवर्स हैं, जैसा कि मिजो लैंग्वेज या मिजो तवांग साइनो टिबेट फैमिली से हैं। ठीक इसी तरह से
मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के अपने भाषाएं और स्क्रिप्ट्स हैं। अमित शाह के बयान के कुछ दिन बाद नॉर्थ ईस्ट छात्र संघ ने उन्हें पत्र लिखा था। उन्होंने हिंदी इंपोजिशन के खिलाफ अपना मत स्पष्ट किया था। लिखा था, एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच अ मूव विल नॉट अशर इन यूनिटी बट विल बी अ टूल टू क्रिएट अप्रिहेंशंस एंड डिसहार्मनी। टूल या उपकरण, क्या यह भी एक किस्म का टूल किट है? यह इशू बहुत गंभीर है, खास तौर से जब हिंदी को यूनिवर्सली पूरे देश में लागू करने के खिलाफ हिंसा का एक इतिहास है। हिंदी के राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल के ऊपर हिंसा के बारे में बात करने के पहले मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा पर नजर डालना चाहता हूं। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरह की बहस देखी गई थी? इस प्रश्न पर संविधान सभा बटी हुई थी। हिंदी ना बोलने वाले राज्यों के सदस्यों ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने का विरोध किया। हिंदी के समर्थक इस बात पर जोर दे रहे थे कि अंग्रेजी गुलामी की भाषा है और इसे जल्द से जल्द हिंदुस्तान से एलिमिनेट किया जाना चाहिए। हिंदी ना जानने वाले स्टेट्स अंग्रेजी को खत्म करने के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि इससे उन स्टेट्स में हिंदी का डोमिनेंस बढ़ जाएगा। अंततः एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला एमर्ज हुआ। 1950 के बाद 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। इस कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला को मुंशी आयंगार फॉर्मूला के रूप में जाना जाता है। फॉर्मूला का नाम के एम मुंशी और गोपाला स्वामी आयंगर के नाम से आया, क्योंकि इन दोनों ने इसको फॉर्मुलेट किया था। भाषा की मुद्दे की डिविसिव नेचर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉग्नाइज किया था। उन्होंने डिबेट के पहले कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी बात, देयर इज नो अदर आइटम इन द होल कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी रिक्वायर्ड टू बी इंप्लीमेंटेड From day to day, hour to hour, minute to minute. Even if we get a particular proposition passed by the majority, if it does not meet with the approval of any section of people, the implementation of the constitution will become a most difficult problem. Matlab, spasht. भाषा के मुद्दे पर मतभेद नहीं हो सकता। कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के दोहरेपन के बारे में आप सब जानते हैं। भाषा के मुद्दे पर शायद आपकी कम जानकारी होगी। उल्लेखनीय है, ये सुनिएगा ध्यान से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, ठीक उसी डिबेट में भाषा के इशू पर उन्होंने क्या कहा था, गौर फरमाइए। आई डू नॉट शेयर द व्यूज ऑफ दोज हु स्पीक ऑफ द डे व्हेन इंडिया शैल हैव वन लैंग्वेज एंड वन लैंग्वेज ओनली। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडियाज कीनोट एंड मस्ट बी अचीव्ड बाय अ process of understanding and consent, and for that a proper atmosphere has to be created. क्या क्रिएट किया जा रहा है? मुझे अजीब लगता है, कश्मीर के मुद्दे पर मुखर्जी के वाक्य मानो भारतीय जनता पार्टी के लिए गॉस्पेल ट्रुथ होते हैं, पर भाषा के मुद्दे पर नहीं। 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने का समझौता इम्परफेक्ट था। फॉर्मूला ने
केवल कॉन्फ्लिक्ट को पोस्टपोन कर दिया, बाद के लिए रख दिया। भारतीय संविधान में आर्टिकल्स 343 से लेकर 351 भाषा की स्टेटस या स्टैंडिंग, उसके उपयोग और भाषाई समूहों और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से संबंधित है। अनुच्छेद 343 ये स्पष्ट करता है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ऑफिशियल भाषा लेकिन नेशनल या राष्ट्रभाषा नहीं। आर्टिकल 351 के अनुसार भारत के संघ का कर्तव्य होगा कि वे हिंदी भाषा का प्रचार एवं डेवलपमेंट करें, ताकि वे भारत की कॉम्पोजिट या फिर मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के एक्सप्रेशन का माध्यम बन सके। राजनीतिक कारणों से हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए संघ के कर्तव्य पर हमेशा जोर दिया जाता है, खास तौर से 2014 के बाद से। भारत की मिलीजुली संस्कृति का उल्लेख नहीं किया जाता। Simultaneously, it is also not said that the union has the duty to ensure that promotion of Hindi does not interfere with the forms, style and expressions used in Hindi and in other languages of India specified under the all important 8th schedule. Essentially, संविधान हिंदुस्तानी के उपयोग का सुझाव देता है, ना कि हिंदी को एक शुद्ध रूप से, हिंदी का एज अ प्योर लैंग्वेज के तौर पर प्रमोशन नहीं किया जाना चाहिए। हिंदी पर संविधान का टोन और टेनर वैसा ही है जैसे महात्मा गांधी ने कई मौकों पर कहा था। समाजशास्त्री SN साहू ने एक लेख में लिखा है, गांधी हिंदी भाषा और साहित्य के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक थे, लेकिन उनकी समझ भारत की अन्य भाषाओं के प्रति उनके समान प्रेम के कारण थी। ये बात समझना बहुत जरूरी है। गांधी कई भारतीय भाषाएं बोलते थे। इस तरह उन्होंने देश के हर जगह लोगों का दिल जीता। आज के नेता बस 2-4 रटी रटाए वाक्य बोलते हैं, और वे भी टेलीप्रॉम्प्टर देखकर। अब हम आज के एपिसोड के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, वो है 15 साल के डेडलाइन के बाद क्या हुआ। जून 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। 1956 में इसकी रिपोर्ट ने हिंदी में स्मूथ स्विच ओवर के लिए कदमों पर सुझाव दिया। जब विरोध हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में एश्योरेंस दिया, इंग्लिश एसोसिएट एडिशनल लैंग्वेज रहेगी इनडेफिनेट पीरियड के लिए। 1963 में इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट भी पारित किया गया, और 1965 के बाद अंग्रेजी का उपयोग पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रतिबंध को हटा दिया गया। लेकिन अधिनियम के टेक्स्ट ने DMK को संतुष्ट नहीं किया। उन्हें संदेह था भविष्य के प्रशासन इस कानून को नहीं मानेंगे। शायद उन्हें अब के डेवलपमेंट्स की आशंका थी। मैं अमित शाह की बयान के बारे में बात कर रहा हूं। खैर, 25 जनवरी 1965 को मदुरई में बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हुई और जल्द ही पूरे मद्रास स्टेट में फैल गई। उस वक्त स्टेट को तमिलनाडु नहीं कहा जाता था। प्रोटेस्टर्स के पुलिस से कई जगह क्लैशेस हुए। आंदोलनकारियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ऑफिशियल अनुमान के अनुसार हिंदी विरोधी आंदोलन में 70 से भी अधिक लोग मारे गए। पूरे राज्य के कस्बों और शहरों में छात्रों ने क्लासेस बॉयकॉट किया। कई गांवों में हिंदी दानव के पुतलों को जलाया गया। रेलवे स्टेशन
और डाकघरों में हिंदी के साइन बोर्ड्स हटा दिए गए या फिर काला पोत दिया गया। सेल्फ इमोलेशंस और सुसाइड्स के केसेस हुए कई जगहों में। कांग्रेस में मतभेद थे, दो सेंट्रल मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते लाल बहादुर शास्त्री ने 11 फरवरी को ऑल इंडिया रेडियो में अपना डीप सेंस ऑफ डिस्ट्रेस एंड शॉक एट द ट्रेजिक इवेंट्स ये उन्होंने व्यक्त किया। शास्त्री जी ने 5 आश्वासन दिए। एवरी स्टेट, पहला था, एवरी स्टेट विल हैव कंप्लीट एंड अनफेटर्ड फ्रीडम टू कंटिन्यू टू ट्रांजैक्ट इट्स ओन बिजनेस इन द लैंग्वेज ऑफ इट्स चॉइस। नंबर 2, कम्युनिकेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विल आइदर बी इन इंग्लिश और विल बी अकंपनीड बाय एन ऑथेंटिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। तीसरा प्रॉमिस, नॉन हिंदी स्टेट्स विल बी फ्री टू कॉरेस्पॉन्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंग्लिश एंड नो चेंज विल बी मेड इन दिस अरेंजमेंट विदाउट देयर कंसेंट। चौथा, इन द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एट द सेंट्रल लेवल इंग्लिश विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड। और जो पांचवा और फाइनल था, वो एश्योरेंस था, बहुत ही महत्वपूर्ण युवाओं के लिए, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वुड कंटिन्यू टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश नॉट इन हिंदी अलोन। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन के बाद कांग्रेस कभी भी तमिलनाडु में सत्ता हासिल नहीं कर पाई, इतना गहरा पॉलिटिकल इंपैक्ट हुआ था उस पर। हिंदी इंपोजिशन से भारत के इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, सरकार को सोच समझकर कदम लेने होंगे। ये पहली बार नहीं है जब अमित शाह ने हिंदी पर विवाद खड़ा किया है। सितंबर 2019 में भी हिंदी दिवस पर पूरे भारत के लिए एक भाषा के लिए उन्होंने आह्वान दिया था। उनके बयान पर हर गैर हिंदी भाषी राज्य में घंघोर विरोध हुआ था। फिर भी ऐसा बयान वो क्यों देते रहते हैं? क्या उन्हें लगता है कि बीजेपी के कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का मंत्र जपना बहुत जरूरी है? सोचिएगा। नमस्कार।